रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले सपने बेचने वाले गुजरात में नहीं जीतेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं से मारपीट, यूपी के मथुरा में आए थे चार साधु, बच्चा चोरी के शक में डंडों से बेरहमी से पीटा। बिहार में नेशनल हाईवे पर फायरिंग, एक की मौत, 10 घायल, 30 किलोमीटर तक गोली चलाते निकले दो बाइक सवार। स्वर्णों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने पूछा विशेष वर्ग को आरक्षण से बाहर क्यों करें। भारत जोड़ो यात्रा के लिए 6 किलोमीटर चलने का टेस्ट, 50,000 कांग्रेसियों ने किया आवेदन, सिर्फ 119 लोग चुने गए। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, राजस्थान के 10 जिलों में 5 डिग्री तापमान गिरा। पंजाब में हाईवे पर ट्रॉली पलटी, 3 की मौत, बजरी ले जा रहे वाहन की चपेट में आई 2 कारें। डीएमके सांसद ए राजा ने हिंदुओं पर टिप्पणी कर भड़काया विवाद, भाजपा बोली जहर उगल दिया। पीएम ने बिना लड़ाई के चीन को 1,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दी, राहुल गांधी का भारत सरकार पर आरोप। दिल्ली में गलत वाटर मीटर रीडिंग पर सरकार सख्त, गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज होगी। राहुल गांधी का भाजपा पर तंज, कहा हिंदू धर्म ओम शांति का संदेश देता है, बीजेपी अशांति पैदा कर रही है। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, कहा एकता के सूत्र में पिरोती है राजभाषा। मध्य प्रदेश के मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, बोली मूर्ति पूजा है आस्था तो मुसलमान गरबा में हो सकते हैं शामिल। बंगाल में भाजपा ने खोला मोर्चा, कोलकाता में बीजेपी का झंडा लिए लोगों ने पुलिसकर्मी पर बोला हमला, डंडे से पीटा। जयराम रमेश ने दी अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसम्मति की दुहाई, बोले कायम रहे गांधी परिवार की प्रमुखता। पेट्रोल छिड़क कर मर्सिडीज में लगा दी आग, टाइल्स लगवाने के बाद मर्सिडीज मालिक ने नहीं दिए लाख रुपए। बुलंदशहर में अगवा कर युवक की हत्या की कोशिश, नहर के किनारे टहलने के दौरान कुछ युवकों ने किया अगवा। टॉर्च की रोशनी में ऊर्जा मंत्री का विजिट, मंत्री ए के शर्मा बाराबंकी में सब सेंटर को निरीक्षण करने पहुंचे थे। जौनपुर में हड़ताल करेंगे 535 ईटा भट्टा मालिक, 80,000 से अधिक मजदूर होंगे बेरोजगार।
कानपुर में नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट, 25% तक बढ़ने थे जमीन की रेट, जमीन की खरीद पर कम होने से राजस्व का नुकसान। फतेहपुर में तमंचे के साथ युवक का तस्वीर वायरल, पुलिस अधिकारियों को किया गया ट्वीट, एडीजी ने जांच के आदेश दिए। वाराणसी में विदेशियों ने संभाला हिंदी दिवस का मंच, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया काव्य पाठ। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था घर, तमंचा छोड़ फरार हुए हमलावर। आजम खान का सफल हुआ ऑपरेशन, हार्ट में ब्लॉकेज आने के चलते डाले गए स्टंट, कल होगी अस्पताल से छुट्टी। बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या कर लगा ली फांसी, बीवी का गला दबाकर मारा, अवैध संबंध का था शक। कौशाम्बी में मकान का बर्जा गिरने से महिला की मौत, तेज बरसात के चलते हुई घटना, सिलाई कर रही थी, सिलाई कर पालती थी परिवार। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस बल तैनात, सपा विधायक हाउस अरेस्ट, विधानसभा सपा कार्यालयों के रास्ते ब्लॉक। प्रयागराज में मृतकों को जिंदा कर रहे भू माफिया, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए प्रॉपर्टी कर रहे हैं कब्जा। ताजमहल के अंदर भी लपकों का राज, फोर्ट कोर्ट से शुरू करते हैं ठगी का खेल, खेले पर खुलेआम बिक रही ब्लैक मेक टिकट। कानपुर देहात में सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने से चल रहा था फरार, दो से पहले हो चुके थे गिरफ्तार। कौशाम्बी में चोरों का आतंक, बंद दुकान से 2 लाख की साड़ियां और नकदी चोरी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। संभल में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने में 6 गिरफ्तार, पुलिस ने 8 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। हरदोई में काव्य पुस्तक का विमोचन, पूर्व हिंदी सलाहकार बोले व्यंग के साथ साथ सृजन का संदेश देना ये श्रेष्ठ रचना। जालौन में युवक ने लगाई फांसी, बेरोजगारी से था परेशान, कई दिनों से ढूंढ रहा था काम। जौनपुर में 7 साल के मासूम से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद, 2019 में हुई थी घटना, आम बीनने के बहाने ले गया था आरोपी। बांदा में कच्ची दीवार ढहने से मलबे में 5 दबे, सभी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर, एक महिला की हालत गंभीर। सड़क हादसे में महिला की मौत, 2 लोग घायल, उन्नाव में बाइक ने मारी टक्कर, गांव से लौट रहे थे दंपत्ति। मेरठ में एसटीएफ ने 50,000 की इनामी को किया अरेस्ट, 7 पहले हुआ था फरार, सुरेंद्र बनकर दिल्ली में चला रहा था होटल। चंदौली सड़क हादसे में 1 की मौत, ट्रक ने लग्जरी कार में मारी टक्कर, 2 की हालत नाजुक। हापुड़ में एसपी की लोगों से अपील, बोली बच्चा चोरी की अफवाह से बचे, सोशल मीडिया पर पुलिस कर रही है निगरानी।
सील हो चुके हुक्का बार में डांस ये जुल्फे ये खुशबू कयामत सॉन्ग पर थिरकते हुए धुआं उड़ा रहे हैं टीनएजर। पति ने जल्लाद है मेरठ में महिला की आप बीती रात भर टॉर्चर करता था, मैं पैर पकड़ती थी पर वो जानवरों की तरह पीटता था। गाजीपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दो फरार, लूट का 16 लाख का सरिया बरामद। मासूम को खींचती ले गई कार, प्रयागराज में सड़क किनारे खेल रही थी कार, कार वाले ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाना भी जरूरी नहीं समझा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, चोरी के मामले में चला था वांछित, बदमाश से अवैध हथियार बरामद। विजिलेंस के समक्ष पेश हुई आईएएस रामबिलास की पत्नी कुसुम यादव, कोर्ट ने दिए सहयोग करने के निर्देश। उत्तराखंड में बारिश धीमी हुई तो चारधाम यात्रा में आई तेजी, महज चार दिन में 1.18 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में जहरीली शराब से 10 की मौत का लिया संज्ञान, जिला आबकारी अधिकारी कार्यमुक्त करने का आदेश। हिंदी दिवस में उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विश्व अध्यक्ष ने दी बधाई का, समर्थ और समक्ष भाषा है हिंदी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मोहरा ने कहा उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे में कुछ गलत नहीं। यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा ऐसा करना जरूरी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के पीरान कलियर पर दिया बयान पर बवाल, कांग्रेस ने कहा धार्मिक पर्यटन पर ये बड़ी चोट। उत्तराखंड के खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा 9 लाख मेट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, बनाए जाएंगे 257 क्रय केंद्र। उत्तराखंड में बारिश, रुद्रप्रयाग जनपद में 90 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त, जल संसाधन को हुआ नुकसान। उत्तराखंड में मुखबिर की मदद से पुलिस ने पकड़ा शातिर चोर, ली तलाशी तो बरामद हुए काजू बादाम और किशमिश। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बिजनौर व मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तीन दिन बाद सकुशल चंपावत पहुंचे एसडीएम सदर अनिल चन्याल, कहा चंडीगढ़ पीजीआई में गया था दिखाने। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव ने गंगोत्री में अन्वेषण टीम को दिखाई हरी झंडी, बताया उत्तराखंड के लिए बड़ी खोज। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की आशंका, 17 सितंबर के लिए जारी है रेड अलर्ट। आदर्श उत्तराखंड के लिए होगा विचार विमर्श, सीएम बोले दूसरे राज्यों के अच्छे मॉडल को अपनाएंगे। भारत के मोस्ट वांटेड मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए बेचैन हुआ पाकिस्तान, तालिबान को लिखी चिट्ठी।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर छिड़ा सीमा संघर्ष, 100 सैनिक मारे गए। अमेरिका के बोस्टन नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय परिसर में धमाका, एक घायल, 2 संदिग्ध, पैकेट की जांच जारी। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू के हमले से 77 वर्षीय शख्स की मौत, 86 साल बाद हुआ ऐसा घातक हमला। भारत साल भर में करेगा 200 से ज्यादा G20 मीटिंग, सितंबर 2023 में होगी लीडर समिट। यूक्रेन ने रूस से छुड़ाए अपने 3 शहर, 13 दिन में 6000 वर्ग किलोमीटर इलाका आजाद कराया, रूस ने पावर ग्रिड किया तबाह। ब्रिटिश क्वीन के लिए उमराह करने मक्का पहुंच गया यमनी शख्स, मस्जिद के भीतर दिखाया बैनर, हुआ गिरफ्तार। लंदन लाया गया दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े लोग। कनाडा के ओंटारियो में गोलीबारी, पुलिस ऑफिसर को बनाया गया निशाना, मौके पर ही मौत। विलियम रूतो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ, रैला ओडिंगा को मामूली अंतर से हराया। ट्विटर डील को शेयर होल्डर्स की मंजूरी, एलन मस्क ने $44 बिलियन भी दिया था ऑफर, फिर कैंसिल किया। गुजरात में बनेगी पहली चिप फैक्ट्री, 1.54 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी वेदांता फॉक्सकॉन। साइरस की कार की जांच करने पहुंची मर्सिडीज की टीम, कंपनी ने हांगकांग से 3 एक्सपर्ट ठाणे भेजे। $999 में स्वाट एयर एलआईटी लॉन्च, वायरलेस एयरबड्स में मिलेगी फास्ट कनेक्टिविटी। मोटोरोला के 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च, एज 30 अल्ट्रा की कीमत 59,999 22 सितंबर से खरीद सकेंगे। HDFC का फेसिव ट्रीट ऑफर, होम लोन की प्रोसेसिंग फीचर पर 75% की छूट ऑफर, 31 अक्टूबर तक वैलिड। वित्त मंत्री ने हनुमान से की भारतीय कंपनियों की तुलना, बोली हनुमान जी की तरह इंडस्ट्रीज को ताकत पर विश्वास नहीं। सोने में गिरावट और चांदी में बपन तेजी, सोना गिरकर 50,567 पर पहुंचा, चांदी 56,700 के पार निकली। चिदंबरम का वित्त मंत्री सीतारमण पर तंज, कहा साधारण परिवार का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं करती। ब्याज दर में फिर हो सकती है बढ़ोतरी, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में 35 से 50 के बेसिस पॉइंट बढ़ने का अनुमान। हिंदी दिवस के मौके पर बेटरली ने हिंदी में बधाई देकर जीता सबका दिल, हिंदी में बोलकर भारत के सभी फैंस को दी बधाई। जयंत यादव की गेंद को लॉलीपॉप समझकर बैठा बल्लेबाज, फिर बोल्ड हो जाता है बल्लेबाज।
मोहम्मद आमिर ने उड़ाया नरेन का स्टंप, फिर जोर से चिल्लाकर मनाई यूनिक सेलिब्रेशन। इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम को सिराज ने बनाया पसंदीदा शिकार, काउंटी क्रिकेट में एक ही मैच दो बार किया आउट। सचिन तेंदुलकर ने अपने बैट को पानी से धोया, बोले ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। दूसरे T20 में मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराया, सीरीज 1-1 से बराबरी पर, मंदाना की नाबाद 59 रनों की पारी। श्रीलंका इंग्लैंड के लीजेंड्स को 7 विकेट से हराए, टूर्नामेंट में श्रीलंका ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हारी विनेश फोगाट, वो क्वालिफिकेशन राउंड में मंगोलियाई रेसलर से 7-0 से पटका। सिराज का काउंट्री में यादगार डेब्यू, पहली बारी में छटके 5 विकेट, पाकिस्तानी ओपनर को भी पवेलियन भेजा। लौट आया 90 का दशक, फिर से दिखा सनर जयसूर्या का मैजिक, 3 रन देकर 4 विकेट देकर फैंस हो गए गदगद। जैकलिन फर्नांडीज की दिल्ली पुलिस के सामने पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। ब्रह्मास के पार्ट 2 पर डायरेक्टर आयरन मुखर्जी बोले, सिक्वल के लिए हमारा टारगेट 2025 है। ब्रह्मास की सक्सेस के बाद एक और फिल्म करेंगे रणबीर आलिया, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में साथ आ सकते हैं नजर। गॉडफादर के पहले गाने थार मार का टीजर आउट, पहली बार साथ नजर आए सलमान और चिरंजीवी। अनिल कपूर और अनुपम खेर यशराज हाउस, बोले हमारी लाइफ में यश जी का अहम योगदान रहा। अकेली शॉपिंग करती दिखी इनायत सुहाली खान ने शेयर किया बेटी का क्यूट वीडियो, फैंस ने कहा ये होती है परवरिश। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में तुम तो ठहरे परदेशी गाने पर रणवीर सिंह ने अर्जुन कपूर के साथ किया जोरदार डांस। उर्वशी रौतेलिया ने मांगी ऋषभ से माफी, सरेआम हाथ जोड़कर बोली सीधी बात, नो बकवास। ऑर्गेनाइजर ने जुबिन का शो खालिस्तान सपुर्दर को बेचा, सिंगर के पिता बोले बेटा उसे जानता नहीं। जिया खान सुसाइड केस में हाईकोर्ट का फैसला, दोबारा जांच के लिए मां राबिया खान की याचिका का किया खारिज। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।